जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात न किया करें। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी है, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलत फहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपा सालार ने जो कुंभ अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलत फहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है, जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। नहीं पता कि मुख्यमंत्री जी कितना साइंस जानते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कितनी बायोलॉजी पढ़ी है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि बार बार वो डीएनए की बात कर रहे हैं, डीएनए की बात ना किया करें। मैं आपके माध्यम से और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं मैं कि वो डीएनए की बात ना करें, और अगर डीएनए की बात करते हैं तो मैं भी अपना डीएनए और हम सब लोग अपना डीएनए चेक कराना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। मैं भी चेक कराना चाहता हूं अपना डीएनए, और मुख्यमंत्री जी आप भी अपना डीएनए चेक करा दो। इसलिए मेरा निवेदन है कि डीएनए की बात मुख्यमंत्री जी को शोभा नहीं देती है। एक संत होकर के, योगी होकर के और भगवा पहनने के बाद उन्हें इस तरह की भाषा और इस तरह डीएनए की बात नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।